Why would you do that? We're in the endgame now. हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन निगम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर एंड गेम के फर्स्ट फाइट सीन की। इस फाइट सीन के बारे में अभी बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं और बहुत ही सारी थ्योरीज अभी अवेलेबल है और उसमें से मैंने एक बेस्ट थ्योरी उठाई और जो कि मुझे ऐसी लगती है कि ट्रू हो सकती है, तो आज इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो ये एक रूमर ही है बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद इस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अगर आप अवेंजर एंडगेम को बिना स्पॉइल हुए देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप मत देखो, आपके लिए वीडियो नहीं है। और अगर आप स्पॉइल से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, अगर स्पॉइलर फिर भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे तो ये थ्योरी 95% करेक्ट है बट जो एन एंथनी रूसो मूवी के आने तक कुछ भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज इन देयर ओन हैंड। तो इस बात को कहते हुए अब हम वीडियो को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो मेरी ऑलरेडी एक पुरानी वीडियो से इंस्पायर्ड है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मूवी के 10 से 15 मिनट के अंदर क्या होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मोस्टली थिंग्स आर सेम फ्रॉम दैट वीडियो, बट थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं जिसको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अवेंजर्स मैंशन के अंदर सारे के सारे अवेंजर्स बट हमें टोनी स्टार्क देखने को नहीं मिलता, जो कि अभी अभी स्पेस से लौटा है और चला गया है पेपर पॉट से मिलने, या फिर हम कह सकते हैं वो चला गया है थोड़ा सा ब्रेक लेने अवेंजर्स इनिशिएटिव से। वहां पर हम देख सकते हैं सारे के सारे एवेंजर्स मौजूद हैं, जिसमें हमें देखने को मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हमें देखने को मिलती है नेबुला, थॉर, और हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे ब्रूस बैनर। साथ ही साथ हम वॉर मशीन को भी देख सकते हैं, कैप्टन मार्वल, और यहाँ पर जो नई मेंबर ऐड हुई है वो ये हुए नेबुला, वो भी हमें इस मैंशन के अंदर देखते हुए मिल सकती है। यहाँ पर सारे के सारे एवेंजर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट मूव क्या है। वहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलती है नेबुला, जो कि कैप्टन अमेरिका को बताती है कि वो जानती है कि इस टाइम थानोस कहाँ पर है और थानोस कहाँ पर रह रहा है, क्योंकि जब थानोस और नेबुला दोनों साथ साथ रहते थे, जब नेबुला को ये बात पता चल चुकी थी कि थानोस अपना गोल कंप्लीट करने के बाद में कहाँ जाएगा, तो नेबुला इन सबकी नॉलेज जो है वो कैप्टन अमेरिका को देती है और उसको बताती है कि मैं जानती हूँ कि थानोस कहाँ पर है, हम वहाँ पर जाकर उससे लड़ सकते हैं और वो जगह होने वाली है टाइटन 2। यहाँ पर जाने का प्लान बनाने के बाद में सारे के सारे अवेंजर्स इस बात के बारे में प्लान बनाते हैं कि शायद हम जाकर थानोस को अब हरा सकते हैं, बट वहां पर ब्रूस बैनर को कहता है कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि हम वहां पर जाएंगे और थानोस हम उसको हरा देंगे। तो यहां पर कैप्टन मार्वल उसको बोलती है कि गारंटी मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सारे के सारे एवेंजर्स वहां पर जाते हैं एक्सेप्ट टोनी स्टार्क, और यहां पर हम देख सकते हैं हमारी पहली फाइट होती है जो कि कैप्टन अमेरिका अपने फुल पोटेंशियल में आकर थानोस के साथ लड़ाई करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि थानोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट थोड़ा सा डैमेज अभी भी है बट वो इंडिविजुअली स्टोन को यूज कर सकता है। कैप्टन मार्वल अपने पूरी पावर के अंदर आकर, अपनी बाइनरी फॉर्म के अंदर आकर थानोस से लड़ने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर थानोस स्पेस स्टोन का इस्तेमाल करके, यानी टेसरैक का इस्तेमाल करके और पावर स्टोन की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके कैप्टन मार्वल की सारी पावर को अपने पास वापस से ले लेता है, यानी उसकी पावर को बिल्कुल खत्म कर देता है, बिल्कुल जीरो कर देता है, उसकी पावर का लेवल लो कर देता है। तो कैप्टन मार्वल भी यहाँ पर परेशान हो जाती है, उससे ऐसा कैसे हो सकता है, बट फाइनली वहां पर थानोस सारे के सारे एवेंजर्स को एक बार दोबारा से हरा देता है। उसके बाद में सारे के सारे एवेंजर हारने के बाद में थानोस उनके ऊपर पिटी करता है, उनके ऊपर दया करता है, कहता है कि अब मेरा गोल तो कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हमने ये बात इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी देखी थी कि थानोस सिर्फ अपने गोल को कंप्लीट करना चाहता था, उसके अलावा उसका कोई भी मिशन नहीं था। जो भी उसके गोल के कंप्लीशन में बीच में आता था वो सिर्फ उसी को हार्म पहुंचाता था, अदरवाइज वो किसी और को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए थानोस एवेंजर्स पर पिटी करके उनको वापस से छोड़ देता है और कहता है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। यहाँ पर सारे के सारे एवेंजर्स हार मानकर फाइनली वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि हम थानोस को नहीं हरा सकते और सारे के सारे अर्थ पर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट फाइट सीन। इस फर्स्ट फाइट सीन के बाद में सारे के सारे एवेंजर्स वापस से अपनी धरती पर आकर रिटायरमेंट ले लेते हैं, और सारे के सारे एवेंजर्स लगभग 4 से 5 साल तक हम सब कुछ होने का इंतजार करते हैं और वो ये बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट कैप्टन अमेरिका इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है और वो बोलना चाहता है कि हम थानोस को हरा कर मानेंगे, क्योंकि एक ऐसी हार उसको मिल चुकी है जिसको वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्कॉट लैंग, जो कि वापस आ रहा है क्वांटम रैम से आफ्टर 4 एंड 5 ईयर्स,
पांच से चार साल बाद कैप्टन अमेरिका के सामने आता है स्कॉट लैंग, और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका एकदम शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि ये एकदम से कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को बिलीव था कि शायद स्कॉट लैंग भी डेसिमेशन का शिकार हो गया है। बट यहाँ पर स्कॉट लैंग आकर उसको बताता है क्वांटम रैम के बारे में और किस तरह से वो टाइम वोटेक्स का इस्तेमाल करके अवेंजर्स को जिता सकता है और थानोस को वापस से हरा सकता है। और यहाँ पर हमारी शुरू होती है असली गेम, असली अवेंजर एंड गेम यहाँ से हमारी शुरू होती है। कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क और बाकी के सारे अवेंजर्स बनाते हैं एक नया प्लान। टोनी स्टार्क हैंक पेम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साथ ही साथ रॉकेट और ब्रूस के ब्रेन के साथ में बनाता है क्वांटम रैम के सूट, और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एवेंजर एंड गेम एक नए गियर के अंदर थानोस को हराने के लिए। उसके बाद होता है टाइम ट्रेवल, यानी शुरू होती है असली गेम, असली एवेंजर एंड गेम वहां से हमारी शुरू होती है। सारे के सारे एवेंजर्स क्वांटम रैम का इस्तेमाल करके, टाइम वोर्टेक्स का इस्तेमाल करके जाते हैं पास्ट में और वहां से चुराने लगते हैं एक एक इन्फिनिटी स्टोन। थानोस के पास ये चीज रियलाइज हो जाती है कि अब मेरे इन्फिनिटी गॉन्टलेट में से एक एक इन्फिनिटी स्टोन गायब हो रहा है, और थानोस को पता चल जाता है कि अवेंजर्स कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और वहां हमें देखने को मिलता है अवेंजर एंड गेम का एंड का सीन, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है जो कि मेरे सोर्सेज ने लीक्ड निकाली है, और मैं ऑलवेज ट्राई करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो हो सकता है कि मूवी के अंदर शुरू में ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा ना हो, वी हैव नो आइडिया, क्योंकि जो एंथनी रूसो बार बार हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं एंड दे हैव सेड क्लियरली कि ट्रेलर के अंदर जो सीन हमने दिखाए हैं वो मूवी के अंदर नहीं होने वाले हैं। सो वी हैव नो आइडिया कि मूवी के अंदर क्या होने वाला है, बट ये तो सिर्फ एक थ्योरी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, सो यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू गिव अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमारी फैमिली और ज्यादा ग्रो कर सके। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे बहुत ज्यादा लाइक दें, जितने ज्यादा आप लाइक इस वीडियो पे दोगे उतना अच्छा मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का और बेहतर से बेहतर क्वालिटी करने का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन निगम। स्क्रीन पे आपकी दो वीडियो आ रही होंगी, उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग दीज वीडियोस, प्लीज मेक श्योर कि आप सपोर्ट करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।